हाय, दिस इज मनीष शर्मा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस कल के सेशन के लिए, एंड विल डिस्कस द स्टॉक्स एज वेल। सो मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्लियरली बताया था कि आज एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हो सकता है और एक पॉजिटिव नोट पे एक्सपायरी हमें देखने को मिल सकती है। मैंने आपको लॉजिक भी बताया था कि लास्ट 5-6 दिन से कंटिन्यूसली रेड कैंडल बन रहा है, तो आज एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होने के चांसेस ज़्यादा है। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा तो आप लास्ट वीडियो जाके देख सकते हो, तो आपको समझ में आएगा मैंने क्या लॉजिक से बोला था कि आज पॉजिटिव नोट पे एक्सपायरी हमें देखने को मिल सकती है। अब एनालिसिस करते हैं कल के सेशन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। बैंक निफ्टी का आवरली चार्ट है और आप देख सकते हो आवरली चार्ट पे इसने क्लीन एंड क्लियर W पैटर्न बना दिया है, और अगर ये ब्रेकआउट देता है तो यहाँ से वापस एक पॉजिटिव अपमूव हमें देखने को मिल सकता है, और 23,000 तक के टारगेट्स वापस पॉसिबल है। 22,600-700 क्रॉस कर लेता है तो बुलिश होने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, और 23,000 तक के इमीडिएट टारगेट हो सकते हैं। तो आपको बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, बाइंग पे आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, और अगर ब्रेकआउट होता है तो आप क्वांटिटी अकॉर्डिंगली इंक्रीज कर सकते हो। निफ्टी बैंक निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है, और अगर आप देखो निफ्टी ने तो ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया है, काफ़ी अच्छी क्लोजिंग दी है। अब निफ्टी में मुझे लगता है 11,600 तक के टारगेट पॉसिबल है, जो कि प्रीवियस हाइज थे, तो 11,600 तक टारगेट पॉसिबल लग रहा है निफ्टी में, और 23,000 टारगेट पॉसिबल लग रहा है बैंक निफ्टी में। अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स। मैंने आपको लास्ट वीडियो में डीमार्ट सेल दिया था, जो मैंने लेवल पे सेल दिया था वो लेवल ट्रिगर नहीं हुआ, तो हम लोग ने डीमार्ट में कोई भी सेल ट्रेड इनिशिएट नहीं किया आज। मैंने आपको UPL बाय दिया था 498 के ऊपर, लेकिन ये 498 के ऊपर गया ही नहीं, तो UPL में भी कोई भी ट्रेड नहीं लिया है। मैंने आपको ग्रासिम बाय दिया था 696 के ऊपर, और आप देख सकते हो ये 915 का जो कैंडल है इसमें इसने हाई बनाया था, ये 915 का कैंडल है इसमें इसने हाई बनाया था 696, और उसके बाद नीचे ही आया है। सो इसमें हम लोग का बाय लेवल ट्रिगर नहीं हुआ, ओपनिंग कैंडल था, ओपनिंग कैंडल एज पर आवर रूल हम लोग क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। बाय लेवल ट्रिगर हुआ यहाँ पर, और उसके बाद एक अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिला, और डेफिनेटली आप लोगों ने ग्रासिम अगर ट्रेड किया तो आपको काफ़ी अच्छा पैसा आया होगा इंट्राडे में, क्योंकि मैंने आपको बाय दिया था 696 के ऊपर और 713 का क्लोजिंग आया, तो आपको काफ़ी अच्छा पैसा आया होगा 10-15 रुपये। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपने ग्रासिम में प्रॉफिट कमाया है या नहीं कमाया है। अब डिस्कस करते हैं कल के सेशन में आपको कौन से स्टॉक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। सबसे पहला स्टॉक होगा HDFC लाइफ। HDFC लाइफ मुझे स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि अगर आप देख सकते हो इसने एक राउंडिंग फॉर्मेशन पैटर्न बनाया है, और आज का जो कैंडल है वो एक ब्रेकआउट कैंडल है। अगर ये लेवल क्रॉस करता है यहाँ से एक अच्छा आपको हमें देखने को मिल सकता है, तो HDFC लाइफ काफ़ी अच्छा बाय रहेगा। कौन से लेवल पर बाय करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। स्टॉक होगा LNT। LNT का स्ट्रक्चर में मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है बाइंग की तरफ। अगर आप देखो ये बहुत बड़ा फॉल आया था और इसमें बिल्कुल भी शॉर्ट कवरिंग नहीं थी, और अब दो ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई है, और मुझे लगता है अगर ये हाई क्रॉस करता है तो जितने भी सेलर्स थे ये प्रॉफिट बुकिंग करने ज़रूर आएंगे, और एक शॉर्ट कवरिंग रैली हमें देखने को मिल सकती है LNT में। सो LNT काफ़ी अच्छा बाय रहेगा। कौन से लेवल पर बाय करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। थर्ड स्टॉक होगा इंडिगो। इंडिगो का स्ट्रक्चर मुझे थोड़ा सा वीक लग रहा है, क्योंकि अगर आप देखो एक ट्रेंड लाइन बनता है यहाँ पे, और बार बार ये ऊपर की तरफ इसमें सप्लाई हमें देखने को मिल रही है। अगर ये ट्रेंड लाइन टूटता है तो एक शार्प फॉल हमें देखने को मिल सकता है। एग्जैक्टली कौन से लेवल पे शॉर्ट करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। इंडिगो का स्ट्रक्चर काफ़ी वीक लग रहा है शॉर्ट के लिए। एंड लास्ट स्टॉक होगा PD लाइट। PD लाइट भी मुझे स्ट्रक्चर काफ़ी वीक लग रहा है, क्योंकि अगर आप देखो इसने डबल टॉप बनाया है, और विथ इन्वर्टेड हैमर डबल टॉप है, और आज का जो कैंडल है वो इन्वर्टेड हैमर है, तो सेटअप काफ़ी एक्सट्रीमली नेगेटिव है। अगर यहाँ से फॉलो थ्रू सेलिंग हमें देखने को मिलती है तो एक शार्प फॉल हमें देखने को मिल सकता है। सो एग्जैक्टली कौन से लेवल पे शॉर्ट करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा, लेकिन PD लाइट का स्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है शॉर्ट के लिए। अगर आपको वीडियो और एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।